आज पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, बिहार में अब जाति जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी है। अभी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं, अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। अब हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जाति जनगणना होनी चाहिए। देखिए, जाति आधारित जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जिस फैसले पे बिहार समेत पूरे देश की नजर थी कि आखिर जाति आधारित जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट का क्या रुख, क्या फैसला होता है। और पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो जाति आधारित जनगणना हो रही थी वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि जो दलीलें दी गई थी और जो याचिका दायर किया गया था उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। जातीय जनगणना पर जो मामला है जजमेंट के लिए आज फिक्स था, आज पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जाति जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी थी। क्या मानते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अभी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं, अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या, तो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी बताया, जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा क्या कारण से जनगणना कहा जाए या सर्वे कहा जाए, कोर्ट ने क्या कहा? अभी कुछ हम लोग नहीं देखे हैं जजमेंट, अभी जजमेंट नहीं देखे। कितने पेज का जजमेंट है? कुछ नहीं पता। तो आपने सुना स्पष्ट तौर पे पटना हाई कोर्ट के वकील, जो याचिकाकर्ता का वकील, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो याचिका दायर की गई थी और तमाम दलीलों को सुनने के बाद, चूंकि एक लंबी बहस चली 5 दिनों तक की बहस के बाद, सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया था। और आज का दिन बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए, चूँकि आज जो है पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जाति आधारित जनगणना होगी। हालांकि जो याचिकाकर्ता का वकील है उनका कहना है कि हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार की नीतीश कुमार की बड़ी जीत हुई है जाति आधारित जनगणना को लेकर, चूंकि सरकार जो है वो फैसला ली थी कि अपने पैसे पर जाति आधारित जनगणना कराएगी। जो सर्वे है उसका काम हो रहा था, लेकिन उसी बीच हाई कोर्ट का एक फैसला आता है उसमें अंतिम रोक लगा दी जाती है और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पहले हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो आगे की बात होगी, लेकिन जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज करते हुए जो बड़ी जीत है बिहार सरकार की जो है पटना हाई कोर्ट में हुई है, और आगे जो सर्वे का काम हो रहा था वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। Yeah.